दोस्तों, चीन के साथ लद्दाख में जारी सीमा तनाव के बीच रक्षा क्षेत्र में खुद को और मजबूत बनाते हुए भारत ने बड़ी सफलता हासिल की है। दरअसल स्ट्रेटजिक फोर्स कमांड यानी SFC ने DRDO द्वारा तैयार शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का उड़ीसा के एक केंद्र से बुधवार यानी 23 सितंबर को सफल रात्रिकालीन प्रायोगिक परीक्षण यानी प्रैक्टिकल टेस्ट किया और ये परीक्षण कामयाब रहा है। इससे पहले भारत ने पिछले साल 20 नवंबर और 4 दिसंबर को भी परमाणु क्षमता से लैस स्वदेश निर्मित पृथ्वी 2 मिसाइल का रात में सफल परीक्षण किया था। बता दें, पिछले साल सतह से सतह तक मार करने में सक्षम पृथ्वी 2 का परीक्षण एक पखवाड़े के अंदर किया गया था। ऐसे में 23 सितंबर को किए गए परीक्षण के बारे में DRDO के एक अधिकारी ने डिटेल में जानकारी देते हुए बताया कि 350 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली इस मिसाइल को ITR के लॉन्च कम्प्लेक्स 3 से एक मोबाइल लॉन्चर से दागा गया और परीक्षण को नियमित अभ्यास करार देते हुए उन्होंने कहा कि मिसाइल के प्रक्षेपण पथ पर रडारों, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग प्रणाली और टेलीमेट्री केंद्रों से नज़र रखी गई और पृथ्वी 2 ने सभी स्टैंडर्ड्स को प्राप्त कर लिया जिसे SFC ने निर्धारित किया था। बता दें कि पृथ्वी सतह से सतह पर मार करने वाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। करीब आधे टन का वार हेड उठा सकने में सक्षम ये मिसाइल 150 से 600 किलोमीटर तक वार कर सकती है। ऐसे में बता दें, भारत के पास पृथ्वी सीरीज की 3 मिसाइलें हैं, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3। इनकी मारक क्षमता है 150 किलोमीटर, 350 किलोमीटर और 600 किलोमीटर। ऐसे में देखा जाए तो भारत चीन सीमा पर तनाव के बीच रोज़ नए नए हथियारों का टेस्ट कर रहा है, जिसके चलते भारत पिछले 24 घंटों में ही 3 प्रमुख हथियारों का परीक्षण कर चुका है। DRDO ने मंगलवार को भी 2 खास टेस्ट किए। पहले तो अभ्यास ड्रोन का सफल फ्लाइट टेस्ट हुआ, फिर MBT अर्जुन टैंक से लेज़र गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी AGTM का टेस्ट फायर किया गया।